लगभग 1000 किलोमीटर ऊपर चढ़ के आ चुके हैं। यहाँ से हाइट की अंदाजा लगाओ यार, कितनी हाइट होगी शायद यहाँ। और ये रही गाइस वंदे भारत, ओह माय गॉड, जो कि जाने वाली है अभी। ये तो रही नॉर्मल ट्रेन और उस तरफ भी नॉर्मल ट्रेन। अभी इधर देखते हैं, यहाँ पर अपनी शेर। सुनसान रात मा मेरो आत्मा चसक बीज को माया लो तिमलाई ने समझी मरुदरुदे सिरानी बीज को हाय हाय। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कामाख्या के सुनसान भरे रास्ते, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ी से। यहाँ पर उठते उठते अपनी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। ओ भाई पानी रहा है सर। और यहाँ से और इतनी ऊंचाई चढ़नी है, कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो रही है कि कितनी ऊंचाई है। माँ कसम सुनसान कोई नहीं है, यहाँ पर देख सकते हो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ के आ चुके हैं। कोई नहीं रास्ते में, और इतना चढ़ के जाना है। वो ऊपर देख सकते हो कामाख्या टेम्पल। हालत पूरी ख़राब, कति खड़ा चढ़ाए हमी आधा किलोमीटर भाई चढ़े को मिले खड़ा चढ़ाए आधा किलोमीटर भाई चढ़े को। यहाँ से हाइट की अंदाजा लगाओ यार, कितनी हाइट होगी शायद यहाँ पर। और ये रही अपनी ओल्ड कामाख्या, जो कि पता नहीं कब बनी हुई है, कब यहाँ से रिप्लेस हुई है, उतनी अच्छी तरीके से मालूम नहीं। और ऊपर जाना है आम 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 हैं हट मंदिर तो गई। ये रही मेन हाईवे जहाँ से कि गाड़ियाँ आती है, और यहाँ पर लिखा हुआ है मेखेला उज्जवा पाथ। इसका मतलब मालूम नहीं। सो गाइज, हम लोग सीधा पहुंच गए थे वहां पर जहां कामाख्या की दर्शन लाइन होती है, जहां से एंट्री मिलती है, सीधा हम वहां पहुंच गए थे। तो यहां पर हमारे बंदर जी आते हैं, जो कि अच्छे से करतब दिखा रहे थे। तो मैं फुल वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाया, तो वो हम देख ही रहे थे। जस्ट हमारी लाइन आगे बढ़ी, तो हम सीधा पहुँच जाते हैं मंदिर के सीधा ऊपर, जहाँ से मुझे जाना होता है। वहाँ देखते हैं कि हम भाई फुल बलि चढ़ रही है, और ये चीज़ मुझे थोड़ी बुरी लगी, जो कि देख सकते हो भैंसों को सीधा काट के बलि दे रहे हैं। तो हम लोग सीधा पहुँच जाते हैं दर्शन के लिए, जहाँ पर दर्शन के लिए वहाँ पर हमारा कैमरा अलाउड नहीं था, तो हम लोग सीधा दर्शन करके बाहर निकल जाते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर बाहर का व्यू, यहाँ पर भीड़ देख सकते हो गाइस। 3 से 4 घंटा लाइन में लगने के बाद अभी हमको जस्ट मिला है दर्शन करने के लिए, जो कि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। तो वहाँ से निकलने के बाद हम लोग सीधा चल दिए फैंसी बाजार की तरफ, जो कि हमें लेनी थी चप्पल। दोस्त गया था हमारे साथ, उसका चप्पल भाई ट्रेन में गिर गया ऊपर से बैठे, तो हमें चप्पल लेनी थी एक। तो हम सीधा चप्पल ढूंढने लगते हैं, तो एक चप्पल हमें मिल भी जाती है, तो प्राइस भैया बता रहे हैं कि सारे यहाँ पर जो 100 रुपये, जो हमें बहुत जल्दी चाहिए थी, तो हमें एक उठा ली। तो पैसे वैसे दे के हम सीधा चल दिए आप स्टेशन की तरफ, जो कि हमारी गाड़ी भी आने वाली थी। जी लोगो सॉफ्ट जी लोगो सॉफ्ट यहाँ पर एक देख सकते हैं, ये नॉर्मल ट्रेन वंदे भारत। मैं आपको बहुत ही तगड़ी एक ट्रेन दिखाने वाला हूँ, जो कि मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ठीक है। वो ट्रेन अभी लॉन्च। ये रही गाइस वंदे भारत, ओह माय गॉड, जो कि जाने वाली है अभी वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जाने वाले 2 2 5 6 3 2 2 3 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
अंदर से अच्छे से नहीं दिख रही है, ठीक है। ऊपर स्टेशन में पूरी अनाउंस हो रही है, अंदर से अच्छे से नहीं दिख रही है। और यही रही अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो कि फिलहाल ही लॉन्च हुई है इंडिया में। और फिलहाल में ये तो रही नॉर्मल ट्रेन और उस तरफ भी नॉर्मल ट्रेन। अभी इधर देखते तो यहाँ पर है अपनी शेर जो कि है वंदे भारत एक्सप्रेस। यहाँ पर अपने ड्राइवर जी बैठ चुके हैं जो कि वंदे भारत को लेके जाने वाले हैं। यहाँ से कहाँ जाएगी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल हूँ गुवाहाटी स्टेशन में। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर वंदे भारत आके लगी हुई है। बस मैं आया था यहाँ से अपने घर जाने के लिए जो कि मुरकोंग से लेक तक जाएगी, तो आके देखता हूँ कि सीधा यार वंदे भारत लगी हुई है। तो यार खुशी अलग थी, यहाँ पर हम जाने वाले तो नहीं है, लेकिन गाइस ये रही लिफ्ट वंदे भारत में। तो सफर करने से गए अभी हम इसी लिफ्ट पर, फुल फायदा उठा रहे हैं। बंद हो चुकी है वंदे भारत पे, तो उठ नहीं पाए अभी, इसी लिफ्ट का फुल फायदा उठा रहे हैं गाइस। जाना है हमको फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पर गुवाहाटी को बाय बाय बोलते हुए सुबह मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने कमक्षा की व्यू अच्छे से आपको रिकॉर्ड करके दिखा नहीं पाया। मैं भी वहाँ पर थका हुआ था रात भर की ट्रेन में सफर, उसके बाद जाके कमक्षा में 5 से 6 घंटे लाइन में लगने के बाद जानते हो आप एक आदमी की हालत कैसी हो जाती है। तो मैं जाऊँगा फिर से गुवाहाटी जाऊँगा, मैं आपको अच्छे से गुवाहाटी एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि मैं वहाँ पर अच्छे से दिखा नहीं पाया आपको। क्योंकि देख सकते हो यार 5 से 6 घंटे कंटिन्यूस नहीं, 4:30 से लेकर 12 बजे तक बैठे हैं। आप खुद हिसाब कर लो 7.5 से 8 घंटे होते हैं, 7.5 से 8 घंटे एक लाइन में लगने के बाद यार भूख के मारे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो जितना जगह उतना फुटेज क्लिक किया भाई, मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाया उसके लिए सॉरी। मैं फिर से जाऊँगा उसके बाद अच्छे से गुवाहाटी एक्सप्लोर करूँगा आपके लिए। थैंक यू।